क्या काम? राघव श्रीवास्तव है जो कि मुगल सराय जंक्शन, जो कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जंक्शन है, वहाँ पे ये सीनियर गार्ड की नौकरी करता है। और परिवार है अपना, जहाँ पर कि मतलब माँ है, बीवी है, बच्चे हैं उसके 3, और एक छोटी बहन है जिसके घर का भी ज़्यादा गादा भी नहीं कहा जा सकता। हर महीने का जो है थोड़ा बहुत खर्चा एक खुद उठाता है, बहुत सालों से काम भी कर रहा है, ओवर टाइम वगैरह करता है, एक अच्छी इनकम लेकर आता है घर पे। लेकिन अपने कंफर्ट जोन में है, जैसा कि हर इंसान के साथ होता ही है कि अगर बहुत साल तक जो है चीज़ें बिल्कुल एक सही सतह पर चलती रहें और जिस तरह से आप चाहते हैं कि वो चलें, उस तरह से अगर चल रही हो, तो फिर एक बड़ा कंफर्टेबल सा माहौल हो जाता है। वो इस बात को समझता है कि उसकी माँ ने बहुत मेहनत से उसको पाला है, बहुत कम उम्र में पिताजी की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद इतने सालों में माँ ने जो मेहनत की है उसको वहाँ तक पहुँचाने में मदद की है जहाँ पर वो आज है, तो अपनी माँ की हर बात को पत्थर की लकीर मानता है। और कभी कभी अनरीजनेबल भी हो जाता है अपने पूरे परिवार के साथ, लेकिन मेरे ख्याल से वो प्यार और रिस्पेक्ट के थ्रू जो एक क्या कहा जाए, वो रिस्पेक्ट जो आती है प्यार के थ्रू, जिसमें कि हल्का सा एक डर भी शामिल होता है, उस तरह की रिलेशनशिप है। लेकिन माँ भी पूरा ख्याल रखती है कि किसी भी तरीके से राघव को जो है वो दुखी ना किया जाए या फिर उसको परेशान ना किया जाए, बिकॉज वही एक इंसान है अभी घर में, जब तक कि बच्चों ने कमाना शुरू नहीं किया, क्योंकि एक साइजेबल इनकम लेकर आता है जिससे कि पूरा घर चलता है। तो श्रीवास्तव जी, कह सकते हैं कि अब श्रीवास्तव परिवार में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है, क्योंकि अभी हम लोगों ने जो देखा कि आपने तो पूरी अपनी तनख्वाह जो है वो एक साथ पैकेट में दे दी, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है उसने बहुत कम तनख्वाह दी, जिससे अब विवाद ज़रूर होगा। हाँ, और इस मामले में सही मायने में देखा जाए तो आप गलत किसी को भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो नई पीढ़ी है उसकी अपनी एक सोच है, वो सोच जो है वो यूं ही एक दो दिन में नहीं बनी है। पिछले समय में या पिछले सालों में जिस तरीके से जो एक बदलाव आया है पूरी सोसाइटी में, तो सामाजिक बदलाव जब आता है तो फिर सोच में भी बदलाव आता ही है साथ में, आपकी सोच बदलती है। आप ये सोचना शुरू करते हैं कि भाई जो कमाने वाला है सबसे पहला हक जो है पैसे पे उसका होना चाहिए, और वो मना भी नहीं कर रहे हैं कि वो किसी भी तरह से कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे घर के खर्चे में, लेकिन हाँ वो अपनी ज़िंदगी खुद जीना चाहते हैं। उनको ये नहीं चाहिए कि कोई एक बड़ा बूढ़ा जो है वो पूरी तरह से डिक्टेट करे कि उनके क्या खर्चे होने चाहिए, या फिर अगर मैं अपने लिए नई शर्ट खरीद के लेकर आऊँ तो कोई ये कहे कि भाई तुमने शर्ट क्यों खरीदी। ज़ाहिर है अगर मैं कमाता हूँ तो मेरा हक बनता है शर्ट खरीदना। तो ये सही मानों में मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि एक जॉइंट फैमिली सेटअप पर रहते हैं, जहाँ पर कि एक जो सबसे बड़ा बुजुर्ग जो होता है वो प्रधान होता है और उसके कहे पे पूरा का पूरा परिवार चलता है। अब इस पूरे जो है सेटअप को अब चैलेंज भी किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये टूट भी रहा है, और सही मानों में ये जो पूरा धारावाहिक जो है ये इस फ्रिक्शन के ऊपर ही आधारित है कि सोच जो पुरानी थी वो सही है या फिर जो नई सोच है वो बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। गलत दोनों ही नहीं है, लेकिन हाँ जब आप रीज़नेबल नहीं रहते, जब आपकी डिमांड्स जो है वो बिल्कुल अजीब गरीब होने लगती, तो फिर आप जो है गलत ही दिखाई देते हैं, चाहे आपकी सोच नई हो या पुरानी। इस समाज में जो बदलाव है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, क्या ये बदलाव सही है या गलत है? देखिए, बदलाव जो है वो तो होना ही है, बदलाव जो है वो प्रकृति का नियम है, तो आप सही या गलत तो कह ही नहीं सकते इसमें। अगर ये बदलाव नहीं होता तो शायद कुछ एक चीज़ें होती जो कि और ज़्यादा बड़ी परेशानी बनकर हम लोगों के सामने आती। ये बदलाव हुआ है तो वो जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ जो है उनके लिए बहुत चीज़ें जो है वो एक तरीके से कहा जाए वो पॉजिटिव हो गई, कि भाई अगर आप बम्बई जैसे शहर में रह के नौकरी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपने घर का खर्चा देखना है, उसके बाद जो बचेगा उसमें से आप अपने बाकी घर वालों को खर्चा भेजेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है खर्चा अपने गांव में भेजें और उसके बाद आपके पास मनी ऑर्डर आए कि चलिए इतने पैसे से आप अपना घर चलाइए। तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो कि पिछले समय में जो है बहुत इम्पोर्टेंट भी नहीं हुआ करती थी, जैसे एक टेलीविज़न सेट को मान लीजिए, आज से मैं कहूँ तो 30 साल पहले घर में टीवी का होना ना होना बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता था।
इट वॉज अ लग्जरी एट दैट टाइम, लेकिन आज की डेट में वो नेसेसिटी बन गया है। तो इसी तरीके के जब बदलाव आते रहेंगे, आज की डेट में किसी घर में कंप्यूटर या लैपटॉप का होना ऑलमोस्ट अनिवार्य है, ज़रूरी है, तो आप क्या कहेंगे कि आप उसके बिना अपनी ज़िंदगी काट लीजिए। तो ये बदलाव जो है वो तो होना ही होना था, एज आई सेड कि इन बदलावों के प्रति रीजनेबल होना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इसके कि आप अपनी सोच थोपना शुरू कर दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।